ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन क्या क्या सिलेबस जो एग्जामिनेशन में आएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा ही स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में, इस टर्म में आपको जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन के सामने जो है वो अपीयर हो रहा है, जिसमें पहला हमारे पास रहेगा मुगल दरबार। सिक्स चैप्टर है। वैसे अगर आप MS OD की बुक पढ़ते हो, शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार, जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो जरूरी जरूरी कॉन्सेप्ट है उनको। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा इसमें चैप्टर है वो है 1857 ईस्वी का विद्रोह, फिर है औपनिवेशिक शहर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और लास्ट है हमारा संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा मेन, वो रहेगा कि वो कौन कौन से ऐसे जरूरी कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले आप सभी बच्चे जो बैठे हैं ध्यान से सुने कि जो हमारा छठा चैप्टर है, सिक्स चैप्टर है मुगल दरबार, उससे कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो 8 नंबर में आ सकते हैं। 8 नंबर में सुनाई दे रहा ना बेटा? अगर सुनाई दे रहा है तो हाथ खड़ा करें अपना। हाँ, वेरी गुड। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ये आपको पता है। एक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आपको 8 नंबर में आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको जरूर आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से आपको जरूर वो क्वेश्चन आएगा। कौन सा वो क्वेश्चन हो सकता है, हम मैं 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, 3 नंबर के प्रश्न जो 4 आपको आएंगे, वो भी उसमें से भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। MCQ यहां से 2, इस चैप्टर से 2 आपको पूछे जाएंगे, और फिलिंग द ब्लैंक्स 1 यहां से पूछा जाएगा आपको, और जो आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है वो यहां से नहीं आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन से आएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। वो आएगा हमारे 12वें, जो 12वां 12th जो चैप्टर है वहां से वो पूछा जाएगा। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको हम बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल दरबार की, जो कि बहुत जरूरी प्रश्न है, और उसके जो मुगल दरबार में जो चीजें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ सकता है। हुमायूं के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3 नंबर में आएंगे। शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रबंध, ये प्रश्न आपको 8 नंबर में आ सकता है। अकबर के 3 ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि जहां से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, 3 कॉन्सेप्ट अकबर के। ठीक है, जिसमें पहला है अकबर की महानता के क्या कारण थे, एक क्वेश्चन। अकबर की धार्मिक नीति, या आप बोल सकते कि अकबर की राजपूत नीति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो मुगल साम्राज्य से ही आ सकता है, मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध नीचे आपको दिख रहा है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, और जहांगीर शाहजहां के ऊपर छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, औरंगजेब के ऊपर भी छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का ही आएगा, और मनसबदारी प्रथा, ये प्रश्न भी आपको 3 नंबर में ही पूछा जाएगा, ये श्योर है। तो 10 ऐसे टॉपिक जहां से हमने डिटेल में जिसको पढ़ना है उसके बारे में हम बात आज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। ये सभी जानते हो, आप लोगों ने बड़े डिटेल में पढ़ा होगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, और इस लड़ाई के पश्चात ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट था, इस को पराजित किया किसने? बाबर ने। ठीक है, 1526 में जो युद्ध हुआ पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है, और मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक के अस्तित्व में रहा। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे का पढ़े, पानीपत की लड़ाई के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते कि 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 नंबर में अगर आपको प्रश्न आएगा कि पानीपत की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हो, तो सीधा आपने लिखना है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और लोदी वंश का अंत हुआ, या दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई, और इसके बाद भारत में मुगल कई महान मुगल शासकों ने शासन किया और लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, इस लड़ाई के क्या परिणाम निकले? नंबर 1, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नंबर 2, भारत में जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लिख सकते हो कि
मुगलों और राजपूतों के बीच में युद्ध होना आवश्यक हो गया, और राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में, जिसे सॉरी 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया था। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया। दो बार शासन किया एक्चुअली हुमायूं ने ना, एक बार 1530 से लेकर 1540 तक, और दूसरा 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। इन बीच के 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक भारत में फिर से अफगानों ने अपना शासन संभाला, जिनका मुख्य शासक जो था वो शेर शाह सूरी था। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं हुमायूं के ऊपर। हुमायूं के ऊपर दो तीन प्रश्न छोटे आ सकते हैं, एक हुमायूं की कठिनाइयां और दूसरा चौथा कन्नौज का युद्ध। हुमायूं की कठिनाइयां क्या थी? एक्चुअली हुमायूं जब शासक बना तो जब उसके जो फादर थे जिनका नाम था बाबर, जब वो मर रहे थे तो उन्होंने हुमायूं से एक वचन लिया कि उनके जो अन्य तीन भाई है, तीन भाई थे हुमायूं के, ठीक है, कामरान अस्करी और हिंदाल, ठीक है, उन तीनों के बीच में इस साम्राज्य को क्या करना था, बांटने की बात जो है बाबर ने कही। तो हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई पहली थी कि उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया, जिसकी वजह से कि उसका साम्राज्य क्या हो गया, कमजोर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, हुमायूं हमेशा कोई भी काम करता था उसको पूरा नहीं करता था। जैसे उसने बहादुर शाह के खिलाफ गुजरात का जो शासक था उसके विरुद्ध जो है वो अभियान छोड़ा, लेकिन पूरा वो युद्ध नहीं लड़ा उसने और वापिस वो आ गया, तो जो भी काम करता था पूरा नहीं उसको कर पाता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, चौसा और कन्नौज की युद्ध। चौसा की युद्ध की अगर हम बात करें तो ये युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। आपको एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। अभी इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि हुमायूं और शेरशाह की सेना जो थी आमने सामने थी। हुमायूं की जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि एकदम से शेरशाह सूरी की सेना के ऊपर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, लेकिन उसने बोला कि नहीं रुक जाओ भाई, अभी नहीं करेंगे, पहले बातचीत करेंगे इनके साथ। तो उसने बहुत सारा समय अपना बातचीत में बिता दिया, और एक रात को शेरशाह सूरी ने, जब हुमायूं की पूरी सेना सोई हुई थी, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया कि उस जो सेना थी हुमायूं की सेना उसके ऊपर अटैक कर दिया, और हुमायूं को भागना पड़ा वहां से। तो कन्नौज की युद्ध के टाइम भी ऐसा हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ये भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आ सकता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ। तो चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेना के बीच में हुआ, और इन दोनों युद्धों में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा, और फिर वो भाग के चला गया ईरान। ठीक है, और इसके बाद 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक भारत में अफगानों का शासन रहा। तो ये दोनों प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में छोटे छोटे प्रश्नों में आ सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम जो बड़ा प्रश्न आपको 8 नंबर में आएगा, शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रबंध के बारे में। आपके ये प्रश्न आपको 8 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 8 नंबर में ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। उसमें सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट करोगे तो सीधा थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में लिख देना है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। और मैं बता दूं आपको, मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको एमसीक्यू में जो प्रश्न आएगा जरूर एग्जाम में एक सीरीज में ये जरूर आएगा कि शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था। ये प्रश्न आपको जरूर आएगा, इसको आप लिख लें सारे बच्चे, क्योंकि ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आपको आ रहा है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, ये आपको एक सीरीज में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, उसने मतलब हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्धों में पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी अफगानों के शासक रहे, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। तो 3-4 लाइनें आप इसके जो इंट्रोडक्शन में जरूर लिखे, और उसके बाद शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रबंध आपने स्टार्ट करना है यहाँ। हालांकि मैंने यहाँ पे
अगर आपको ध्यान हो तो हर घर पाठशाला में सर ने भी बड़े अच्छे से ये वीडियो बनाया हुआ है। मैंने हाँ सर ने ही बनाया, पवन सर का ये पूरा इस चैप्टर के ऊपर जो है वो वीडियोस बने हुए हैं, आप उनको जरूर देखें। लेकिन अगर आप बात हम शेरशाह सूरी के प्रशासनिक प्रबंध की बात करें तो ये मैंने बताया कि क्वेश्चन बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन में आपको आ सकता है 8 नंबर के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रबंध, 3-4 लाइनें आपने उसमें लिखनी है। आपके जो टीचर है उन्होंने आपको बड़े अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनवाए होंगे, लेकिन क्योंकि हम अभी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया और दे दूंगा इसमें कि यहाँ पे भी आपने शेरशाह सूरी के प्रशासनिक प्रबंध के बाद भी आपने 2-3 लाइनें जो है जरूर लिखनी है कि बहुत अच्छे प्रशासनिक प्रबंधक थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। फिर आती है बात उनके प्रशासनिक प्रबंध की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासनिक प्रबंध। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक प्रबंध में सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तान की। अब एक चीज यहाँ पे है कि अलग अलग साम्राज्यों के समय जो शासक होते थे उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जैसे कि सुल्तान है ना, राजा, सम्राट। तो जो ये अफगान थे ये सुल्तान कहते थे अपने शासक को। तो सुल्तान की बात अगर हम करें तो शेरशाह सूरी, सारी शक्तियां शेरशाह सूरी के हाथों में थी, जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां थी सारी उसके हाथ में, वही सबसे बड़ा जो है वो न्यायाधीश होता था, सेना का प्रमुख वही होता था, सभी जो मंत्री थे उनकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती थी, उसके मुख से निकले हुए शब्द कानून होते थे, है ना। और मतलब कुल मिला के सबसे शक्तिशाली जो होता था वो सुल्तान ही होता था उसे पूरे प्रशासनिक प्रबंध में। उसके बाद हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, फटाफट से ही करना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री थे जो कि सुल्तान को सहायता करते थे प्रशासन चलाने में, हालांकि वो केवल एडवाइस कर सकते थे, उनकी एडवाइस को मानना या ना मानना इट्स ऑल डिपेंड ऑन सुल्तान, ये सारा सुल्तान के ऊपर डिपेंड करता था कि उनकी कौन सी सलाह को मानना कौन सी को नहीं मानना है। लेकिन क्योंकि इन पदों पर बहुत ही ईमानदार और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग नियुक्त किए होते थे, इसलिए बहुत बार राजा सुल्तान जो है उनकी बातों को मानता था। तो सबसे बड़ा सबसे पहला जो मंत्री इसमें था वो था दीवाने बजारत। दीवाने बजारत वित्त मंत्री था। ये प्रश्न भी आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में आ सकता है कि शेरशाह सूरी के समय में वित्त मंत्री कौन था, दीवाने बजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत, दीवाने कजा। ठीक है, तो दीवाने बजारत जो था वो वित्त मंत्री था, भू राजस्व की का जो हिसाब किताब था, आय और व्यय का जो हिसाब किताब था, इट्स ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीवाने बजारत की थी। ठीक है, उसके बाद है दीवाने आरिज। दीवाने आरिज की बात करें तो ये सेना प्रमुख था। जैसे मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य में दीवाने जो सेना का प्रमुख था वो मीर बख्शी होता था, लेकिन यहाँ पे दीवाने आरिज को सेना प्रमुख माना जाता था। सभी सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति राजा या सुल्तान जो है उनकी एडवाइस से करता था। सेना को नियुक्त, सैनिकों को नियुक्त करना, उनको सैलरी देना या फिर युद्धों में किस तरीके से प्लान करना है, वो सारी प्लानिंग जो है दीवाने आरिज की होती थी। एक बहुत बड़ा एक मंत्री होता था शेरशाह सूरी के शासनिक प्रशासनिक प्रबंध का। उसके बाद आते हैं दीवाने रसालत, विदेश मंत्री। विदेश मंत्री का क्या काम था कि जो राजदूत विदेशों से आते थे, राजदूत जो विदेशों से जो राजदूत आते थे उनको नियुक्त करना या उनसे बात करना, संधि करना, या फिर युद्धों के बारे में बहुत सारी बातें राजा सुल्तान को जो एडवाइस करता था दीवाने रसालत। उसके बाद है दीवाने कजा, न्याय मंत्री। ठीक है, दीवाने कजा न्याय मंत्री, हालांकि काजी उल कजात की हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के शासनकाल में, लेकिन यहाँ पे दीवाने कजा न्याय मंत्री था और पूरा न्याय का हिसाब था, राजा को एडवाइस करता किस तरीके से न्याय करना। दीवाने वरीद जासूसी विभाग का मंत्री था, जो कि जिसके बहुत सारे आगे अधिकारी होते थे जो डायरेक्ट जो है वो दीवाने वरीद को अप्रोच करते थे, और दीवाने वरीद डायरेक्ट सुल्तान को पूरी जो जासूसी की होती उसके बारे में बताता था। तो ये केंद्रीय प्रशासनिक प्रबंध में आपने करना है। अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासनिक प्रबंध की, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो एक बहुत बड़ी करैक्टरिस्टिक्स मानी जाती है, बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है कि उसने अपने प्रशासनिक प्रबंध को केंद्र के बाद प्रांतों में नहीं बांटा था, बल्कि सीधा सरकारों में अर्थात जिलों में बांटा था। ठीक है, ये एक ऐसा सुल्तान रहा है जिसने अपने प्रशासन को, जैसे हमने पढ़ा मौर्य काल में हमने पढ़ा कि केंद्र के बाद प्रांत होते थे, या मुगल काल में भी हमने पढ़ा कि केंद्र के बाद प्रांत होते थे, लेकिन यहाँ पे
केंद्र के बाद सीधा सरकारें थी, जिले थे, ठीक है, तो उसने जिलों में जो है वो अपने प्रशासन को बांटा हुआ था। तो ये प्रश्न आपने करना बहुत जरूरी है, प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में आएगा। और सरकारों के प्रबंध की अगर हम बात करें तो सीधा 66 सरकारें थी या जिले थे जिनमें ये बांटा गया था, जिसमें मुख्य जो अधिकारी थे सिकदार है सिकदारान और मुंसिफ है मुंसिफान। सिकदार का मुख्य कार्य होता था पूरे जिले में शांति को बनाए रखना, शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, और परगने के जो सिकदार थे उन पर नियंत्रण रखना, ठीक है, और फौजदारी मुकदमों का ये निर्णय करता था। मुंसिफ है मुंसिफान, ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था जिसका मुख्य कार्य होता लगान इकट्ठा करना और जो पूरा रेवेन्यू सिस्टम था उसको कंट्रोल ये करता था, और परगने के मुंसिफ पर भी ये नियंत्रण रखता था। तो ये दोनों प्रश्न, ये पूरा जो है आपने इस तरीके से कर लेना, हालांकि आप इसमें बहुत सारी और चीजें ऐड कर सकते हैं, न्यायिक प्रबंध कर सकते हैं, है ना, पुलिस व्यवस्था के बारे में लिख सकते हैं, और पॉइंट्स अगर आपको लगे करना है तो इसको कर सकते हैं, लेकिन 8 नंबर में क्योंकि टाइम का भी वो रहता है तो आप उसको कर सकते हैं। बाकी सर ने भी आपको बताया होगा अपने आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न 8 नंबर में एग्जामिनेशन में आ सकता है। देखो सीधी सी बात है कि 8 नंबर में मुगल साम्राज्य से एक प्रश्न आएगा और एक 1857 ईस्वी के विद्रोह से पूछा जा सकता है, या फिर उसमें अलग अलग से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 3 सीरीज होंगी वो छठे चैप्टर से एक सीरीज को पूछा जा सकता है, 11वें चैप्टर से एक सीरीज को पूछा जा सकता है, उसके बाद 13वां चैप्टर भी बहुत बड़ा, वहां से भी एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 8 नंबर में आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अकबर की राजपूत नीति, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन में आता है। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर भारत के महान शासकों में से एक माना जाता है। हमने बात की कि 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने शासन किया, 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं ने शासन किया, फिर 1555 से लेकर 1556 तक फिर हुमायूं शासक बना, लेकिन उसकी मृत्यु होगी, सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। 1556 में बाबर अकबर शासक बना। अकबर जिस समय शासक बना उसकी उम्र बहुत कम थी, 14 साल के आसपास का वो था, बहुत छोटी सी आयु में अकबर ने युद्ध लड़ा है जिसे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया है। ये प्रश्न भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है एमसीक्यू में कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, 1556 में हेमू और अकबर की सेना के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो गया। अब बात आती है जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं राजपूत नीति, कि अकबर की राजपूत नीति या धार्मिक नीति क्या थी। ठीक है, अकबर एक महान, आप इंट्रोडक्शन में लिख लें चार पांच लाइनें अकबर के बारे में, महान शासक था, जन्म कब हुआ, इस तरीके से। फिर इसका जो पहला आप जो है वो पॉइंट लिखेंगे, राजपूतों से वैवाहिक संबंध। अकबर ये भली भांति जानता था कि अगर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करना है तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि ऐसे राजपूत शासकों के साथ जो है वो संबंध बनाया जाए जो उनको सपोर्ट करें युद्धों में भी। ठीक है, तो आमेर के राजा की बेटी के साथ उनका विवाह हुआ। इस केवल यही विवाह नहीं, अकबर ने बहुत सारे और वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ जो है वो बनाए, और उसी का एक इम्पैक्ट था कि राजपूत अकबर के क्या बन गए, समर्थक बन गए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट रहा है अकबर के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में। और हमने बाद में आपको, आपने जब डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा कि बहुत सारे जो राजपूत शासक थे, चाहे राजा मान सिंह थे, भगवान दास थे, या फिर बीरबल थे, टोडरमल थे, जो कि अकबर के दरबार की के जो रतन रहे हैं उनमें से एक है, है ना। तो ये सारा का सारा जो है वो स्ट्रेटेजी थी अकबर की कि अपने साम्राज्य को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। नंबर दो, राजपूतों के लिए उच्च पद। अकबर से पहले हुमायूं और बाबर भी शासक रहे, लेकिन अकबर जो था एक उदारवादी शासक था। उदारवादी शासक मींस कि धर्म को साइड में रखते हुए उसने उन लोगों को नियुक्त किया अपने साम्राज्य में जो कि इंटेलिजेंट थे। ठीक है, तो उसने उनको उच्च पदों पर बड़े बड़े मनसब उनको दिए, या फिर ऐसे पद उनको दिए जो कि बहुत जरूरी थे। जैसे कि मैं टोडरमल की बात कर रहा हूं, तो टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री रहे हैं अकबर के शासनकाल में, है ना। इसके अलावा मान सिंह, भगवान दास, जयचंद, है ना, और बीरबल जैसे लोग थे
जिनको कि उच्च पदों पर नियुक्त किया अकबर ने, तो आपने ये लिखना है सारा। थर्ड है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता की यहां पे अगर हम बात करें तो बहुत जरूरी बन जाता है ये चीज की, ये आप इसमें दो चीजें, एक तीर्थयात्रा कर और एक जजिया कर, जो कि अकबर ने अपने शासनकाल में हटाए, जो है वो रिमूव किए, है ना। अकबर तीर्थयात्रा कर हिंदुओं को इसलिए देना पड़ता था क्योंकि वो हिंदू थे और जब वो तीर्थयात्रा करते थे उसके बदले वो कर देना। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, और अकबर जब शासक बना तो उसने ये दोनों कर जो है वो हटा दिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और साथ में हिंदू जो लोग थे उनको अपने साम्राज्य में उसने जो हिंदू त्योहार थे उनको मनाने की छूट दी, चाहे दिवाली थी, होली थी या और प्रकार के त्योहार थे। और अकबर एक ऐसा शासक रहा है जिसके शासनकाल में एक भी मंदिर जो है वो भारत में नहीं टूटा अकबर के शासनकाल में, नहीं तो बहुत सारे हिंदू शासक, इसके बाद हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे या जहांगीर के शासनकाल में पढ़ेंगे, इन सब ने मंदिरों को तोड़ा, है ना। लेकिन अकबर क्योंकि एक उदारवादी शासक था और ये सारी चीजें जो है उसके साम्राज्य को सुदृढ़ बना रही थी। चौथा जो पॉइंट है इसमें राजपूत राज्यों की आंतरिक स्वतंत्रता, कि उसने राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। वो राजपूत राज्य जो उसकी अधीनता स्वीकार कर गए थे उनको उसने आंतरिक जो है वो स्वतंत्रता प्रदान की थी। और राजपूताना के ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिनको अकबर जो है वो स्वतंत्र कर चुका था, लेकिन क्योंकि वो उसकी अधीनता उन्होंने स्वीकार की थी, कुछ भू राजस्व के तौर पर उसको वो देते थे, इसलिए ये सारे के सारे जो राजा थे या सारे के सारे राज्य अकबर को सपोर्ट करते थे, जिसके कारण की मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो गया था। और लास्ट जो पॉइंट इसमें हम करते हैं, शत्रु राजपूत शासकों से युद्ध। उसने बहुत सारे राजपूत, ऐसा नहीं है कि वो राजपूत राजा जो अकबर को सपोर्ट कर रहे थे उनको, उनके साथ तो वो अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जैसे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप सिंह की या फिर क्या बोलते हैं उसको, दो तीन और राजपूत राज्य जो कि अकबर के विरुद्ध थे उनके विरुद्ध उसने जो है वो युद्ध किए और उन्हें युद्धों में पराजित किया। तो इस प्रकार से अकबर की राजपूत नीति के ऊपर ये प्रश्न आप लोगों ने करना है, ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में आएगा। अब अगला जो प्रश्न 8 नंबर में आपको आ सकता है, मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध। मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध ये बहुत जरूरी प्रश्न है, एग्जामिनेशन में आपको आ सकता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में ही दो प्रशासनिक प्रबंध बन जाते हैं, एक शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रबंध और दूसरा मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि मुगल शासक जो थे बहुत अच्छे प्रशासनिक प्रबंधक थे, उन्होंने अपने प्रशासन प्रबंध को इस प्रकार से जो है वो स्थापित किया था कि लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए या फिर अच्छी प्लानिंग से उन्होंने काम किया था। फिर उसमें सबसे पहले आता केंद्रीय प्रबंध, केंद्रीय शासन प्रबंध में। यहाँ पे अब देखो जो अफगान थे या शेरशाह सूरी के शासनकाल जो प्रशासनिक प्रबंध था उसमें जो शासक होता था उसको बोलते थे सुल्तान, और यहाँ पे क्या बोलते हैं बादशाह, ठीक है। ये चीजें आपको इसका आइडिया होना चाहिए, केंद्रीय प्रबंध में बादशाह जो था वो सबसे शक्तिशाली था, सारी शक्ति उसके हाथ में थी। उसे भारत में अगर हम बात करें तो उसके मुख से निकले हुआ शब्द जो है वो कानून बनते थे, सबसे बड़ा न्यायाधीश वही होता था, सभी सैनिकों की नियुक्ति या सभी जो मंत्री थे उनकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती, सभी मनसब उसके द्वारा बांटे जाते थे, चाहे छोटे से बड़े से बड़ा मनसब हो या छोटे से छोटा मनसब हो, है ना। तो ही वॉज मतलब वेरी पावरफुल, जो बादशाह की हम बात करते हैं, और मंत्री होते थे उनकी बातों को मानना या ना मानना इट्स ऑल डिपेंड ऑन बादशाह, ठीक है। वकील एक ऐसा पद था जिसे जो प्रधानमंत्री के रूप में हम इसको लेते हैं, लेकिन केवल अकबर के शासनकाल तक ही रहा, उसके बाद ये पद जो है वो समाप्त हो गया था। और राजा के बादशाह के बाद सबसे शक्तिशाली यही होता था, सभी मंत्रियों के कार्य को देखना ये वकील का काम था। उसके बाद तीसरा दीवाने आला। अब हमने शेरशाह सूरी के शासनकाल में पढ़ा दीवाने बजारत, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है कि दोनों में डिफरेंस है, एक दीवाने बजारत है, दीवाने आला है। दीवाने आला मुगल साम्राज्य में और दीवाने बजारत शेरशाह सूरी के शासनकाल में, नहीं तो बहुत सारा कंफ्लिक्ट जो है हो जाता है। दीवाने आला वित्त मंत्री, इसका काम भी भू राजस्व इकट्ठा करना, आय और व्यय का हिसाब किताब रखना, सारा जो प्रांतीय दीवान है उसको नियुक्त करना, प्रांतों में जो दीवान होते थे उनकी नियुक्ति भी दीवाने आला के द्वारा की जाती थी। उसके बाद मीर बख्शी सेना प्रमुख था, हमने पहले बात की कि किस प्रकार से जो है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में सेना प्रमुख जो है वो सैनिकों
नियुक्त करता, सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता था और उनकी ट्रेनिंग का, उनके हथियारों का, ये सारा जो प्लानिंग होती थी ये सारी मीर बख्शी की होती थी और युद्धों के बारे में परामर्श वो राजा को दे सकता था। उसके बाद काजी उल कजात, ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था और राजा को न्याय व्यवस्था के बारे में सलाह देता था। ठीक है, खाने समा, शाही परिवार का ये मंत्री होता था, शाही परिवार के लोगों की फैसिलिटीज देखना, उनके खाने पीने का, उनकी यात्राओं का हिसाब किताब देखना, ये सारा उसका काम था। उसके बाद दरोगा या डाक चौकी, एक पुलिस अधिकारी था जो कि शहरों में पुलिस प्रशासन व्यवस्था को देखना उसका काम था और शांति बनाए रखना उसका मुख्य काम था। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय प्रशासनिक प्रबंध था। प्रांतीय प्रबंध में अगर हम बात करें तो सूबेदार, सूबेदार बहुत प्रमुख जो था प्रांतों में, हमने बात की कि मुगल शासनकाल में अलग अलग समय में, जैसे कि अकबर के शासनकाल की बात करें तो 17 प्रांत थे, 18 औरंगजेब के टाइम में हो गए, जहांगीर के टाइम में 18 थे, इस तरीके से जो है अलग अलग जो है स्ट्रेंथ रही है प्रांतों की, अलग अलग जो बादशाह थे उनके शासनकाल में। सूबेदार इस पद पर ज्यादातर जो है वो राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था या उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जो राजा के बहुत क्लोज होते थे, है ना, क्योंकि प्रांत का प्रमुख होता था सूबेदार। प्रांतों में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, प्रांतों में दीवान बख्शी सदर और कोतवाल के कार्य को देखना, ये सारा का सारा सूबेदार के ऊपर, उस पूरे प्रांत का जो मुख्य काम था वो मुख्य जो अधिकारी था वो सूबेदार होता था। बहुत सारे प्रांत थे, नए प्रांत बने काबुल कंधार के अलावा, जो है नीचे को अगर हम बात करें तो बंगाल बिहार, है ना, बहुत सारे जो थे वो प्रांत उस समय थे और सूबेदार जो है उसमें सर्वे सर्वा होता था। दीवान ये वित्त विभाग देखता था, आय और व्यय का हिसाब का, भू राजस्व इकट्ठा करना, किस तरीके से भू राजस्व के लिए प्लानिंग करना, सारा दीवान का काम, प्रांतीय दीवान का काम। प्रांतीय बख्शी ये जो मीर बख्शी होता है उसकी रिकमेंडेशन के बाद इसको नियुक्त किया जाता था और प्रांतों की सेना का पूरा सिस्टम यही देखता था। उसके बाद सदर एक और प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसके बाद कोतवाल, ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था जो कि प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था। इसके अलावा जिलों का प्रबंध था, जिलों का प्रबंध जिन्हें सरकारी कहा जाता था, उस तरीके से जो है इसको हम कर सकते हैं। जिलों के बाद और भी इसमें न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न जो 8 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, एक और ये 3 नंबर में भी आ सकता है, मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक पतन के क्या कारण थे कि इतना बड़ा साम्राज्य जिसने 1526 ईस्वी से लेकर जो है 1707 ईस्वी तक, वैसे मुगल जो साम्राज्य है भारत में उसका पतन तो हुआ 1857 ईस्वी में, लेकिन पतन आरंभ हो गया था 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर साम्राज्य के तौर पर जो है सामने आ गया था। अभी अगर हम बात करें 1526 से लेकर 1530 बाबर, 1530 से लेकर 1540 हुमायूं, 1555 से लेकर 1556 हुमायूं, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर, अकबर के बाद जहांगीर 1627 ईस्वी तक, फिर 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां, है ना, उसके बाद फिर जो है वो औरंगजेब, औरंगजेब ने 1707 ईस्वी तक शासन किया और ही वॉज द लास्ट पावरफुल किंग, जो आप बोल सकते हो कि लास्ट शक्तिशाली शासक रहा। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन जो है आरंभ हो गया था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे फटाफट से। इसके जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं 5-7, आप इसको लिख सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 भी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो आपके टीचर्स ने बताए होंगे। और लेकिन जो जरूरी है कि औरंगजेब की अति केंद्रीयकरण की नीति, की सारी शक्ति अपने पास रखी हुई थी, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था शक्तियों का, सारी मतलब एक आप ये बोलो कि एक ही व्यक्ति जो था पूरे प्रशासन को देखता था, और ये एक बड़ा कारण था पतन का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो सोचता है दूसरे की अगर एडवाइस ले ले तो फायदेमंद होती है ना, लेकिन अति केंद्रीकरण की नीति एक बड़ा कारण माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन का। औरंगजेब की धार्मिक नीति, अभी तक हमने, इससे पहले हमने पढ़ा कि अकबर ने एक ऐसी धार्मिक नीति को इंट्रोड्यूस किया था जिसकी वजह से जितने भी राजपूत राजा थे, सिख थे, मराठे थे, सब सपोर्ट कर रहे थे मुगल साम्राज्य को, लेकिन औरंगजेब ने ऐसी धार्मिक नीति अपनाई जिसके कारण सभी उसके दुश्मन बन गए। जैसे राजपूतों के विरुद्ध उसने बुरी नीति अपनाई, तीर्थयात्रा कर और जजिया कर को फिर से उसने जो है वो स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा उसने जितने भी उसके वो क्या बोलते हैं उसके जो बड़े बड़े पदों पर, उच्च पदों पर राजपूतों को रखा था उनको हटा दिया,
ना, ये सारे के सारे उसके दुश्मन बन गए और एक बड़ा कारण बना कि ये मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। राजपूतों से दुर्व्यवहार, ये भी हमने इसी में मैंने डिस्कस कर लिया कि जो राजपूत प्रशासन के अधिकारी उसने रखे हुए थे अकबर के शासनकाल में थे या और शासकों ने रखे हुए थे, उनको जो है उसने बड़े बुरे बुरे तरीके से बेइज्जत किया उनका, है ना। मराठों से दुर्व्यवहार, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर हम बोलें ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है मुगल साम्राज्य के पतन का, क्योंकि मराठे दक्षिण भारत में बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे, शिवाजी इनको लीड कर रहे थे, शिवाजी महाराज आप लोगों ने सुना होगा नाम सबने। और एक बार क्या हुआ कि इन्होंने शिवाजी को दिल्ली बुलाया कि एक संधि करते हैं, जैसे बातचीत करते हैं ना कुछ, तो अपने दरबार में बुलाया लेकिन उनको बेइज्जत करते हुए उन्हें जेल में डाल दिया। मतलब बुलाया बातचीत करने के लिए था लेकिन जेल में उनको डाल दिया। बड़ी मुश्किल से वहां से वो निकले और जब वो फिर से मराठावाड़ा पहुंचे या फिर दक्षिण भारत पहुंचे तो उन्होंने मुगलों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अभियान जो है छेड़ा और ये एक बहुत बड़ा कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन का। और सिखों से दुर्व्यवहार किया, है ना, कि उनके गुरु को जो है उन्होंने उनको उनका मर्डर कर दिया, उनको मार दिया। औरंगजेब की दक्षिण नीति एक बहुत बड़ा कारण थी, औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपने जीवन के 25 वर्ष वहां पे बिता दिए, 25 वर्ष, और तीन जो प्रांत है उनको जीतने के लिए सारे एफर्ट से। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उत्तर भारत है वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि बहुत सारा पैसा, बहुत सारे सैनिक दक्षिण भारत में थे और मारे भी गए इन युद्धों के दौरान, और ये एक बहुत बड़ा कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन का। और लास्ट था विशाल साम्राज्य, किसी भी बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके जो शासक हो वैसे ही रहे, और ये एक बड़ा कारण रहता है हमेशा ही कि बड़े साम्राज्यों को संभालना। आपने प्लस वन में पढ़ा होगा रोमन साम्राज्य के बारे में, रोमन साम्राज्य भी तब तक इतने, मतलब ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ, लेकिन जब तक ऑगस्टस और शक्तिशाली शासक वहां पे शासन करते रहे वो बड़े साम्राज्यों को भी उन्होंने संभाल लिया था, लेकिन जब कमजोर शासक आते हैं हमेशा बड़े साम्राज्य जो है कोलैप्स हो जाते, तो ये एक बड़ा कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का। तो ये 7-8 पॉइंट आप लोगों ने इसमें कर लीजिए, ठीक है। अब चलो, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको जो है वो बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपने कर लेने। बाकी एमसीक्यू है आपकी जो बुक है उसके पीछे, उनको प्रैक्टिस करते रहे, खासकर वो प्रश्न जो कि जरूरी है, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, जो मैंने इससे पहले जो आपकी एक स्लाइड थी उसमें 13 अप्रैल गलती से लिखा हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध जो है वो लड़ा गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में हुई। उसके बाद तुझ के बाबरी, बाबर की आत्मकथा जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों और राजपूतों के बीच में हुआ 1576 ईस्वी में, जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और अबुल फजल ने की थी अकबरनामा की रचना। तो ये आपने ये चीजें जो है आपने कर लेनी है और इसकी प्रैक्टिस करते रहना। बाकी जो मैंने आपको बताया कि एक प्रश्न मनसबदारी पे भी आता है, मनसबदारी प्रथा से क्या अभिप्राय, 3 नंबर में प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है और आपने ये करना है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं अगला जो हमारा टॉपिक है 1857 ईस्वी का विद्रोह। ये बहुत जरूरी टॉपिक है और यहां से मैं बता देता हूं आपको कि एक प्रश्न तो जरूर आएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण रहे हैं, ये बड़े प्रश्न में आपको जरूर आएगा। हो सकता है कि परिणाम और असफलता के कारण भी आपको आए, लेकिन 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण रहे हैं ये प्रश्न आपको जरूर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाएगा। अब इसमें बहुत सारे 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो कारण है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आप बहुत सारा बहुत कुछ लिख सकते हो। हो सकता है कि अलग से ये प्रश्न पूछा जाए राजनीतिक कारण। अच्छा, इससे पहले अगर आप उनको छठे प्रश्न से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, सर ये अनम्यूट तो नहीं करना है, छठे चैप्टर से अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है सर भी आपके साथ हैं बैठे हुए, कुल्लू जो गुशैनी स्कूल है इसी के सर है ना साथ में बैठे हुए। हेलो सर, कैसे हैं? ए आप एक मिनट सर, अनम्यूट कर रहे हैं आपको, एक मिनट है ना।
एक मिनट अनम्यूट कर रहे हैं सर। हाँ अब आवाज आ रही होगी सर। बाकी हर घर पाठशाला में भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मैप का बहुत बढ़िया जो है सर ने कुछ वीडियो बनाए, पवन सर ने ही, मैंने तो शायद उसमें मैप में कोई वीडियो नहीं है मेरा, लेकिन सर ने बहुत अच्छे से बनाया, तो आप उसको भी उन वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब जो है, या फिर लिंक्स जो हर घर पाठशाला में हमने आपको भेजे होते हैं उसमें आप देख सकते हो। बाकी सर ने भी प्रैक्टिस करवाई होगी आपको मैप्स की। मैप का 5 नंबर का जो प्रश्न है बहुत जरूरी है, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। सर आवाज आ रही होगी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, अगर कोई कुछ छठे हाँ आ रही है, छठे चैप्टर से अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो सर, हिस्ट्री वाले सर बच्चों से पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहो अगर। कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, साथ में बैठे हैं तो डाउट कोई नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह की। इसमें जो 8 नंबर का प्रश्न है, मैं आपको लिख के ले लो, अभी चाहे सर बैठे हुए हैं, एक प्रश्न जरूर आएगा आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण रहे हैं। 8 नंबर में आएगा, पक्का है, पक्का आएगा। हो सकता है कि इसमें आपको आ जाए कि राजनीतिक कारण अलग से पूछ लें, आर्थिक या धार्मिक कारण अलग से पूछ लें, पर मुझे लगता है कि पूरा ये जो है पूछा जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। राजनीतिक कारण क्या रहे हैं? सबसे पहला है उसमें अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति जो खासकर लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, जिसमें लेफ्ट की नीति एक बहुत बड़ा कारण था। लेफ्ट की नीति जिस इस नीति के अनुसार अगर किसी भारतीय राजा की निसंतान मृत्यु हो जाती थी तो उसे पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था, और ऐसी कंडीशन में उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता था। जैसे कि झांसी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई बिना संतान के, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पुत्र गोद ले लिया। जब पुत्र गोद लिया तो अंग्रेजों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति के अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और आपके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। तो ऐसे में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध होगी, बिल्कुल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों के बिल्कुल विरुद्ध हो गई, और वो अंग्रेजों की एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 ईस्वी के विद्रोह का। इसके अलावा सतारा, जैतपुर, संबलपुर के राजाओं, क्योंकि उनकी मृत्यु भी होगी और उनके साम्राज्य को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया, तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति एक बड़ा कारण बनी। इसके अलावा लॉर्ड लॉजी ने अवध, जो कि उस समय मुगल अंग्रेजों का एक अंग्रेजों के शासनकाल में एक बहुत बड़ा एक रियासत थी अवध, उसको भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, ये इल्जाम लगाते हुए कि उनका जो प्रशासनिक प्रबंध है वो अच्छा नहीं है, कुप्रबंध का उनके ऊपर आरोप लगाया, तो ये एक बड़ा कारण बना। दूसरा, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान करना, कि जब भी कोई गवर्नर जनरल भारत आता था तो सबसे पहले वो मुगल बादशाह के पास जो है उपहार लेके जाते थे या कुछ उनको बहुत सारा जो है वो उनका सम्मान करते थे, लेकिन लॉर्ड लॉजी जब आए तो उन्होंने आते ही एक अनाउंसमेंट कर दी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात जो मुगल साम्राज्य का जो सारी प्रॉपर्टी है उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाएगा, जिसके कारण कि पूरे मुस्लिम समुदाय में ये बात फैल गई और वो सारे उनके अंगेस्ट हो गए। तीसरा है नाना साहब की पेंशन बंद करना। कानपुर के ये जो अंतिम पेशवा थे हमारे बालाजी बाजीराव द्वितीय, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के पश्चात 1817 ईस्वी में एक संधि हुई, पूना की संधि, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो पेशवा है उनका उनके जीवन यापन के लिए क्या किया जाएगा कि उनको पेंशन दी जाएगी, लेकिन लॉर्ड लॉजी ने इस पेंशन को बंद कर दिया। खेम सिंह सर बच्चे भी हैं तो उनको भी जोड़ दें, ठीक है। और फोर्थ है झांसी का विलय। ये जो सर जुड़े हैं ये मेरे यूनिवर्सिटी में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मेरे क्लासमेट रहे हैं, हम दोनों जो है वो इकट्ठे पढ़े हैं विश्वविद्यालय में, एमए हिस्ट्री हमने इकट्ठे किए हैं, फिल्म में भी इकट्ठे थे। झांसी का विलय भी एक बड़ा कारण था, जो हमने ऊपर बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट की नीति के अनुसार जो है वो झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है किसके विरुद्ध हो गई, अंग्रेजों के विरुद्ध
हो गई। अब्द का विलय एक बहुत बड़ा पॉइंट है 1857 ईस्वी के विद्रोह का, क्योंकि अब्द एक ऐसा राज्य था जहां के अधिक जहां से अधिकतर जो सैनिक थे वो अंग्रेजी सेना में सैनिक थे, है ना। कुप्रबंध का आरोप लगाया इन जो अब्द के जो शासक थे बाजिद अली शाह, उनके ऊपर कुप्रबंध का आरोप लगा दिया कि ये जो है इनका प्रशासनिक प्रबंध अच्छा नहीं है, और इस आधार पर इस साम्राज्य को इस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, और अब्द के जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अब्द के लोग तो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए, साथ में अब्द की जो रानियां थी वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। तो ये कुछ राजनीतिक कारण है जो कि आपको आपने लिखने हैं। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कारण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहे हैं। सामाजिक कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है सामाजिक सुधार। हालांकि समाज में किए जाने वाले सुधार हमेशा जो है अच्छे होते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों के विरुद्ध गए, क्योंकि हुआ क्या कि इस दौरान भारत में बहुत जो है सामाजिक सुधार हुए। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने भारतीय समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए अभियान चलाया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ राजा राम मोहन राय जी का, 1829 ईस्वी में, उससे पहले उन्होंने एक आंदोलन चलाया, एक सामाजिक सुधार आंदोलन था सती प्रथा को बंद करने के लिए। सभी जानते कि सती प्रथा क्या थी। इस प्रथा के अनुसार अगर किसी पति की पत्नी से पहले मृत्यु हो जाती थी तो उस पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था उसकी चिता के साथ। वैसे तो बहुत बुरी सामाजिक बुराई थी, सामाजिक बुराई तो थी, है ना, कि ये क्या बात हुई कि भाई पहले जो पति मरा फिर पत्नी को भी मरना पड़ेगा। और कई बार अगर पत्नी मना भी करती थी मरने के लिए तो उसको पीछे से डंडे से मारकर भी होश करके जबरदस्ती चिता में जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय, क्योंकि उनकी भाभी के साथ ऐसा हुआ, कुछ उनके परिवार में कोई था, तो जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ कि 1829 में जब गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उन्होंने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, इस प्रथा को बंद कर दिया। हालांकि बहुत अच्छी बात थी, भारतीय समाज के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन भारतीय लोगों ने जो कि बहुत ही संकुचित विचारधारा के थे वो सारे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए इस बात को लेकर कि वो हमारे धर्म में जो इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बड़ा कारण। इसके अलावा कन्यावध था, कन्यावध को रोकने के लिए जो है उसको गैर कानूनी कर दिया, या नरबलि थी, है ना। ये कुछ ऐसी बुराइयां थी भारतीय समाज में जिसके लिए आंदोलन चलाए गए भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा, और अंग्रेजों ने उन बातों को मानते हुए, अंग्रेजों ने वो बातें मानी और उनको जो है गैर कानूनी बना दिया, लेकिन भारतीयों को इंटरफेरेंस लगी उनके धर्म में, तो ये सामाजिक सुधार भी अंग्रेजों के लिए जो है वो बुरे रहे। ईसाई धर्म का प्रचार एक बड़ा कारण था कि ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वो भारत में आए, मिशनरी भारत में आए, और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई धर्म में मिलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये इससे भी जो धर्म गुरु थे या धर्म के जो और लोग थे वो सारे के सारे क्या हो गए, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। रेल तथा तार, रेल मतलब कि आप सभी जानते कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि मुंबई से थाना 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल जो है वो चली, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना, लेकिन अंग्रेजों को भारतीयों को ये लगा कि अब अंग्रेज क्या करेंगे कि उनको जो है अब सजा देने के लिए ट्रेनों के नीचे फेंकेंगे और मारेंगे, है ना। तार प्रणाली आप लोग जानते हैं कि इसको भी उन्होंने अलग तरीके से लिया, है ना। भारतीयों से दुर्व्यवहार एक बहुत बड़ा कारण था कि भारतीयों से बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। जो भी कुछ ऐसी जगह जो है वो रिजर्व कर दी गई अंग्रेजों के लिए, उसमें बाहर फट्टे लगे होते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कि भारतीय और कुत्ते जो है इस जगह नहीं आ रहे, चाहे वो कुछ जो है वो बाग थे या रेस्टोरेंट थे। तो भारतीयों को ये चीजें अपने विरुद्ध लगी और अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो ये कुछ कारण है जो कि सामाजिक और धार्मिक कारणों में आ सकते हैं। उसके बाद आर्थिक कारण, बहुत सारे कारण रहते हैं आर्थिक कारणों में। देश का बहुत सारा आर्थिक शोषण किया, बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ा कारण था, नौकरियों में असमानता थी, है ना। ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से कि भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। सैनिक कारणों की बात करें तो भारतीय सैनिकों में असंतोष था, उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि सैलरी में डिफरेंस था। एक भारतीय सैनिक जो बिल्कुल हम बात कर सकते हैं कि एक ही पोस्ट में दोनों थे, तो भारतीय सैनिक को मिलते थे 6 या 7 रुपए पर मंथ, और जो अंग्रेजी सैनिक थे उसी पोस्ट के लिए उनको मिलते थे 70 रुपीज से ऊपर, 70 to 75 रुपीज।
तो ये डिफेंस भी भारतीयों को अपने विरुद्ध लगा और वो अंग्रेजों अंग्रेजों और अफगानों के बीच पहले युद्ध का जो प्रभाव पड़ा उसमें भारतीय सैनिक जब वहां पे गया तो उन्होंने देखा कि वो उनको हरा सकते हैं, तो अंग्रेजों को भी कुछ, तो उसमें उनको जो है वो उनका मॉरल जो है बूस्ट हुआ। भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में अंतर ये बहुत बड़ा एक कारण था कि 1:6 से जो है भारतीय सेना भारतीय सैनिक जो थे वो अंग्रेजी सेना में थे, कि एक अंग्रेजी सैनिक था और 6 भारतीय सैनिक थे, तो ये भी एक बड़ा कारण बना। अब कबीला है जो मैंने पहले आपको बताया कि क्योंकि बहुत सारे सैनिक जो थे वो आते थे कहां से, अब्द से, जब अब्द को मिला दिया लॉर्ड लॉजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में, तो वो सारे के सारे सैनिक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। और तात्कालिक कारण सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें वो है तात्कालिक कारण, जो हमने नहीं पढ़ा भी उसको मैं ऐसे बता दूं कि चर्बी वाले कारतूस, आपने पढ़ा होगा कि चर्बी वाले कारतूस जो है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने हैं, है ना, कि एनफील्ड राइफल की जगह ऐसे जो है वो कारतूस इंट्रोड्यूस किए गए अंग्रेजों के द्वारा। ये अफवाह फैल गई कि क्योंकि उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, और अफवाह ये फैल गई कि जिस जगह से इनको खोलना होता वहां पे चर्बी लगी होती थी, और ये चर्बी गाय और सुअर की होती थी, तो गाय भारतीयों के लिए जो है वो बड़ी पवित्र थी, और सुअर को जो है अंग्रेजों मुस्लिम जो थे उनके धर्म के विरुद्ध थे, तो ये बहुत बड़ा एक कारण बना। और हमने देखा कि बैरकपुर में क्या हुआ कि मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह जो है वो आरंभ हो गया, और ये तात्कालिक कारण बना 1857 ईस्वी के विद्रोह का। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसको अपने डिटेल में जो है पढ़ लेना है। अब बात करते हैं 1857 ईस्वी विद्रोह की असफलता के कारण, ये विद्रोह असफल क्यों रहा, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। और देखो अगर 3 नंबर में आएगा तो 4-5 पॉइंट जो सर ने आपको बताए हैं वो लिखने हैं, 1-2 लाइनों में उसको एक्सप्लेन भी कर लेना है। लेकिन अगर 8 नंबर में आता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि आएगा, पर कई बार डाल भी देते हैं, तो आपने 6-7-8 पॉइंट जो है इसके करने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है विद्रोह निश्चित समय से पहले आरंभ हो गया। हालांकि विद्रोह की प्लानिंग क्या थी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, एक बिपिन चंद्रा की पुस्तक है जिसमें कि विद्रोह के बारे में बड़े डिटेल में बताया हुआ है कि पूरी प्लानिंग थी, रोटियों की टोकरियों में फूलों में जो है वो संदेश दिए जाते थे कि इस विद्रोह को जो है वो मई में आरंभ किया जाएगा, लेकिन क्योंकि मंगल पांडे ने जो है बैरकपुर में विद्रोह जो है आरंभ किया, इसलिए 29 मार्च को जो है वो स्टार्ट हो गया, और पहुंचते पहुंचे फिर 10 मई को जो है वो मेरठ में ये आरंभ हो गया, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ता चला गया। तो निश्चित समय से पहले आरंभ होने के कारण भी जो तैयारियां थी वो नहीं हो पाई, एक बड़ा कारण बना। विद्रोह का पूरे भारत में न फैल पाना ये एक बड़ा कारण रहा है। मैं आपको बताऊं कि विद्रोह केवल उन्हीं जगहों पे ज्यादा फैला जहां पे सैनिक चौकियां थी, और या फिर जैसे हम बात करते हैं झांसी की, या फिर हम बात करते हैं कानपुर की, या फिर बिहार की जहां पे कुंवर सिंह जो है नेतृत्व कर रहे थे, लखनऊ की जहां पे अब्द की जो बेगमें थी, बेगम हजरत महल, वो जो है वो नेतृत्व उन्होंने संभाला हुआ था, है ना। तो एक बहुत सारी जगहों पे विद्रोह का न फैलना, क्योंकि उसका बड़ा कारण यह था कि विद्रोह केवल उन्हीं जगहों पे ज्यादा फैला जहां पे सैनिक चौकियां थी, या फिर अपने अपने जो थे वो तरीके से लड़ रहे थे। जैसे हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, संयुक्त उद्देश्य की कमी। संयुक्त उद्देश्य की कमी एक बहुत बड़ा कारण है कि उद्देश्य एक नहीं था, सब अपने अपने उद्देश्यों के लिए, सैनिक इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो खुश नहीं थे चर्बी वाले कारतूस चलाने से, है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उसे उसका सिंहासन छीना था, है ना। नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे कि उनकी पेंशन छीन ली थी, है ना। और नाना साहब की बात अगर हम बेगम हजरत महल की बात करें तो अब्द को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, तो सबके उद्देश्य अलग अलग थे, एक उद्देश्य से कोई नहीं लड़ रहा था। अगर एक उद्देश्य से लड़ते सब तो 1857 ईस्वी का विद्रोह अंग्रेजों के लिए लास्ट जो है वो आंदोलन हमारी तरफ से हो सकता था। अगला, साधनों का अभाव एक बहुत बड़ा ये एक जो है वो कारण है कि साधनों की कमी, हथियारों की बात करो या ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, बहुत जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास जितना गोला बारूद था वही था, बाकी तो कहां से आना था, है ना। लेकिन अंग्रेजों के पास इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके पास साधनों की कमी नहीं थी, उनके पास गोला बारूद बहुत था, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे साधन थे। और पांचवा जो पॉइंट है, भारतीय राज्यों का अंग्रेजों को सहयोग, बहुत सारे भारतीय राजा, ग्वालियर, है ना, जिंद, ये ऐसे बहुत सारे भारतीय राजा थे जो कि अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे इस 1857 ईस्वी के विद्रोह में।
तो ये एक बड़ा कारण बना। यातायात और संचार के साधनों का अभाव, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली बात तो ये थी कि भारतीयों की तरफ से जो लड़ रहे थे सैनिक अपनी अपनी जगहों पर लड़ रहे थे, है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ रही थी, तांतिया टोपे पहले कानपुर में थे फिर झांसी में आए, फिर उसके बाद बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ में लड़ रहे थे, कुंवर सिंह बिहार में लड़ रहे थे, है ना। तो ये लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें यातायात और संचार के साधनों की, अगर अंग्रेज जो है दिल्ली में लड़ रहे हैं और जरूरत पड़ती है लखनऊ में तो फटाफट से ट्रेन की सहायता से वहां जा सकते थे, या फिर उनके पास संचार के ऐसे साधन थे तार डाक तार कि फटाफट से न्यूज़ पहुंच जाते कि कहां सैनिकों की जरूरत है। तो ये दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से कि ये विद्रोह जो है वह सफल रहा। ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में आएगा, इसको अपनी करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम, कि परिणाम क्या रहे, क्या क्या वो इंपैक्ट थे कि जो पड़े और उसका प्रभाव पड़ा और उसके परिणाम क्या रहे। सबसे पहले कंपनी के शासन का अंत हो गया। आप सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक अंग्रेजों ने कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने भारत के ऊपर शासन किया, लेकिन अब कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो गया। हालांकि ब्रिटिश संसद उसके ऊपर पहले भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रखती थी, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 1803 का, 1813, 1833, 1853 का जो एक्ट था उसके आधार पर जो है वो एक एक 10-10 साल के लिए जो है वो क्या कर रहे थे, एक्सटेंशन दे रहे थे, लेकिन अब कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर इंग्लैंड की सरकार का सीधा शासन हो गया। अब सम्राट भारत जो इंग्लैंड का सम्राट है वो भारत का सम्राट होगा, ये बात इसमें कही गई। तीसरा, गवर्नर जनरल की उपाधि में परिवर्तन। अब जो गवर्नर जनरल था अब उसको क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। लॉर्ड कर्जन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय रहे हैं लॉर्ड कर्जन। ये आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है प्रश्न कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। मुगल तथा पेशवा वंश का अंत हो गया। मुगलों के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको क्या किया अंग्रेजों ने जो है वो जेल भेज दिया, रंगून जेल, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पेशवा जो नाना साहब थे वो नेपाल भाग गए और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, और ऐसे में मुगल साम्राज्य और जो मराठा साम्राज्य या पेशवा थे वो उनका जो है वो अंत हो गया। कंपनी की सेना की समाप्ति। अब जो सेना थी वो कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नहीं रही, बल्कि अब वो किसकी सेना बन गई, इंग्लैंड की सरकार की सेना बन गई, और भारत मंत्री की एक नियुक्ति की गई। ब्रिटिश संसद में अब भारत मंत्री को नियुक्त किया गया, जिस तरीके से मंत्री होते हैं कि वित्त मंत्री रक्षा मंत्री, वैसे ही एक भारत मंत्री था जिसने भारत के जो सिस्टम था उसको देखना था। पुडल और राजगुरु की नीति, ये नीति अपनाई किसने, अंग्रेजों ने पुडालो और शासन करो की नीति अपनाई, क्योंकि अंग्रेज ये भली भांति जान चुके थे अब कि अगर भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो हिंदुओं और मुसलमानों को क्या करना पड़ेगा, आपस में लड़ाना पड़ेगा, नहीं तो इन्होंने देख लिया 1857 ईस्वी के विद्रोह में ये सब जो है एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत जरूरी प्रश्न है जो कि आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद असफलता के कारण हमने पढ़ लिए थे। अब कुछ ऐसे ये 2-4-5 चीजें हैं जो कि हमें लगता है कि कई बार जो है प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 ईस्वी में मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, लेफ्सकी का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण थे, और भारत का प्रथम शहीद मंगल पांडे को जो है वो माना जाता था, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जो है वो ये करना है, और इसके अलावा भी बहुत सारे और छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ से, जैसे क्लीमेसी ऑफ कैनिंग है ना, ये आपको 3 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है क्लीमेसी ऑफ कैनिंग क्या है, या फिर और प्रश्न छोटे छोटे और प्रश्न यहाँ पे बड़े मैं बताऊं आपको कि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत के 5 या 6 ऐसे 1857 ईस्वी के 5 या 6 केंद्रों के नाम बताओ कि कौन कौन से केंद्र थे। बैरकपुर है, दिल्ली है, मेरठ है, कानपुर है, लखनऊ है, बिहार है ना, झांसी, ये कुछ नाम आप लिख सकते हैं जो कि बड़े फेमस है, और यही आपको मैप में भी आ सकता है कि भारत के मानचित्र पर बताओ 1857 ईस्वी के विद्रोह के केंद्र, तो 8-9 केंद्र आपने जरूर लिखने जो कि आसान है। बैरकपुर उसमें जरूर लिखना है आपने,
कानपुर लखनऊ है ना, ये सारे आपने उसमें करने हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि 1857 ईस्वी की विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम बताओ, कि नेता कौन कौन से थे। तो मंगल पांडे मैंने पहला आपको बताया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये तांत्या टोपे, और पेशवा जो थे हमारे, ये क्या नाम है उनका, नाना साहब है ना। इस तरीके से आप इन के नाम जो है वो लिख सकते हैं। अब ये 1857 ईस्वी का विद्रोह और छठा चैप्टर, यहां से आपको बड़े प्रश्न जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास तीन चैप्टर बचते हैं, और जिसमें सबसे पहला हम बात करते हैं उपनिवेशवाद और भारतीय शहर। यहां से मैं आपको बता दूं कि एक चीज यहां पे मैं बता दूं कि जो थर्ड हमारा क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में आपको, वो इस चैप्टर से आने के चांसेस ज्यादा है, जो पैराग्राफ वाला होता है ना। तो आपने क्या करना है कि सर आपको बता देंगे कि किस तरीके से जो है वो उसको अटेम्प्ट करना है। वैसे तो उसका उसी पैराग्राफ में जो है वो आंसर भी उसी में, उसी पैराग्राफ में आंसर होते हैं सारे, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं, मुझे लगता है कि यहीं से इसी चैप्टर से वो थर्ड क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा आपने उस तरीके से ले लेना है। बाकी जो तीन नंबर में प्रश्न आपको आ सकते हैं, मुगल शहरों की विशेषताएं किया होगा आपने, कि मुगल शहर सत्ता और प्रशासन के केंद्र रहे हैं, चाहे वो आप शाहजहानाबाद की बात कर लो, या फिर आगरा की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो है ना, या फिर श्रीनगर की बात कर लो। मुगल शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण और भव्य जो इमारतें थी उनकी शोभा और समृद्धि के लिए जाने जाते थे, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े इमारतें थी। अब दिल्ली का लाल किला, अब शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां के शासनकाल में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल है ना, तख्ते ताऊस, ये बहुत बड़े बड़े जो है वो, जामा मस्जिद दिल्ली में, बादशाह एक विशाल जो महल था वो, उसका जो महल था वो बंद महल में वो रहता था, और विभिन्न भव्य मंदिर और मस्जिदों का वहां पे निर्माण होता था। तो ये आपने कर लेना, ज्यादा जो है वो ये जरूरी नहीं है। बाकी तीन ये प्रश्न आते हैं, जनसंख्या के लाभ बताओ कि क्या क्या लाभ जनसंख्या के हो सकते हैं, है ना। एक तो लिटरेसी रेट हमें पता चलता है, दूसरा जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल जाती है ना, आर्थिक जो चीजें हैं वो हमें पता चलती है। सिविल लाइंस क्या है, तो सिविल लाइंस जो है वो ऐसे शहर थे, ऐसी बस्तियां थी जो कि अंग्रेजों के लिए बनाई हुई थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए, वहां पे अंग्रेज या फिर जो विदेशी थे उनके अलावा कोई भी भारतीय वहां पे नहीं जा सकता। ब्लैक टाउन्स क्या थे, ये भारतीयों के लिए बनाए गए सॉरी ब्लैक बनाए गए जो थे वो बस्तियां थी, ठीक है। ये सारा कुछ ऐसे सारा की ज्यादा ऐसे हो गया, तो उसको आप अदरवाइज मत ले। फोर्ट विलियम के ऊपर आपको तीन नंबर का प्रश्न आ सकता है, 1857 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद जो ऐसे बनाया गया था फोर्ट विलियम, तीन नंबर का प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम से क्या अभिप्राय है। तो फोर्ट विलियम प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में बनाया गया एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़ा किला था, ठीक है। इसको इस दृष्टि से बनाया गया था कि कोई भी इसको आसानी से कैप्चर ना कर पाए, इसके चारों ओर बहुत खुला मैदान था, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी है ना, और वो खुला मैदान इसलिए छोड़ा हुआ था कि कोई भी अगर एंटर करता उसको आसानी से जो है वो उसके ऊपर गोलाबारी की जा सकती थी। गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में उस समय के जो ब्रिटिश सम्राट थे 1911 में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी, उनके लिए इसका निर्माण किया गया था। दो है हमारे पास, एक गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट है, इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में जॉर्ज पंचम जो कि इंग्लैंड के सम्राट थे उनके स्वागत के लिए किया गया था। और इसी दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे, कलकत्ता से जो राजधानी थी अंग्रेजों की उसको दिल्ली शिफ्ट किया था है ना, और 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया था। अगर इसको हम, क्योंकि आपको कटा हुआ है सिलेबस नहीं पढ़ेंगे हम चौदहवा जो चैप्टर है, लेकिन उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। कितना का करना कर लेते हैं दीदी, चलो नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप बोलेंगे तो मैं कर लूंगा, ऐसा कुछ तो कर लेते हैं क्लोज। क्या कंटिन्यू करना है, मैं करूंगा कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। बोर तो नहीं हो रहे हैं अब आपको ना, थोड़ा सा हम वो करते हैं अनम्यूट कर देते हैं, अगर बोर हो रहे हैं तो उस सेशन को खत्म करके फिर दो जो चैप्टर बचते हैं उनको हम बाद में कर लेंगे, या अभी खत्म करना है तो अभी खत्म कर देते हैं। खेम सिंह जी और सर क्लास भी है,
हाँ जी बाद में अगर हो तो ज्यादा बेटर है सर। कितने बजे से करना है? 12:30। हाँ जी 12:30। 12:30 चलो ठीक है, 12:30 करते हैं। किम सिंह जी ठीक है? 12:30 12 से 1 है एक्चुअली टाइमिंग ना। अभी क्लास भी है ना सर, और क्लासेस भी है ना बीच में। हाँ एक्चुअली 12 से 1 है। अच्छा चलो जब आप आएंगे ना सर तब ज्वाइन कर लेना, 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा वैसे ना। ठीक ठीक है सर। ठीक है जी ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। ओके सर।